मैं न्यू सोचूं कुकुर जीवे दुखिया गरीब बेचारे धोखा दे के मरवा दे से आज काल के प्यारे और कौन से दुश्मन कौन से प्यारा मन पड़ते लालिए सारे बहुत से मानस रोम से अजमेर सिंगे मारे मेरी जान में नीचे नीचे जड़ कटनिया रे रेसे करके कॉल करार बकत पर नाचनिया रे एक भजन आपके बीच में और दो दो तीन तीन बातों का नंबर है। ये हमारी बात जिसमें उदयपुर के शिकारी शिकार खेलते हुए मृगों की डायर के पीछे लगे हुए थे। देखिए भाई एक तालाब के ऊपर मृग पानी पीने लग जाते हैं। उसी तालाब के ऊपर एक मंदिर था, वहां पर मीरा पूजा किया करती श्री कृष्ण भगवान की। जब आपस में नजरें मिली मीरा ने देखा कि इधर से मृग पानी पीते हैं, उधर से शिकारी निशाना साधे हुए। कौन है रे मृग मारने त्यार, हड़ा हुक्म नहीं से तेरे बाप का, तुम छल्ले पे ती चढ़ाओ मत, इसी कड़वी नजर लखाओ मत, सताओ मत, जल पीऊ तेरे डार, कौन घर भरेगा इस दंड इस पाप का। बहुत ज्यादा धमका दी उन शिकारियों को मीरा ने और फिर शिकारी लखाए ने कौन धमकावे है। मीरा का रूप और सुंदर इतना तेज था कि वहां से शिकारी वापस भाग लेते हैं। महाना सांगा के पास में आए, नो बोला शिकारी शिकार करके लाए, नो बोला महाराज शिकार करके ना आए, देख आए से के दो नैना के तीर चले थे, एक निशाना भी खाली को ना, यहां तकाली ये गिरते पड़ते सो धी तलक संभाली को, मारी थारे चरणा बीच गुजर से रचने वाला आदर अमर से, इब तक भी हुआ शक्ल नजर से तलवर बीता हाली को न्या, यहां तक आलिए गिरते पड़ते सो धी तलक से वाली तखड़ी नीवे जू बहुत तोलन की, कई कई लचक पड़े डोलन की, मिश्री भरी जुबा बोलन की, अमृत कम प्याली को न्या, यहां तक आलिए गिरते पड़ते सो धी तलक से वाली को। अरे शिकारी बार बार इस बात को क्यों दोहराते हो, असली बात बताओ। लक्ष्मी चंद के बात तरस की सबसे ज्यादा है बात दरस की, राजा मृत के बेटी 18 वर्ष की वाब्याही सगाई गाली को न्या, यहां तक आलिए गिरते पड़ते सो धी तलक से भाली को। ये राजा मृत की बेटी है जिसका नाम मीरा है, बहुत ही सुंदर है, आपकी बेगम बनने के काबिल है, सुंदरता के वशीभूत होके वो महाना सांगा एक चिट्ठी लिख के और ब्राह्मण को दे देता है। उस चिट्ठी में क्या मजमून लिखा और क्या बताया है, क्या कहा, शानी बेटी घर बाप के तेरे कुल के लाड़ा भारत
मिया की पंचायत जुड़े है, पंचायत जुड़े उन्हें शर्माना हो फैसला धर्मराज खरे, धर्मराज खरे सब में जाना हो के बाबा चौधरी सीताराम जी मलिक छोड़ोगी है और तू तो सही ना मरे सैमी और पिछमान छमान करते ही बार बार धन्यवाद है धन्यवाद नहीं कोई बात को ना ये एक बार मेरा पसीने हाल नहीं दे तू मैंने कहा एक बमरा पसीने हाल दे पनसे के भी आ जाएंगे भाई ओम बीर सौ रुपये समान समान करते सर्वी प्रधान जी 200 रुपये समान समान करते हैं बार बार धन्यवाद भाई ओमकार 100 रुपये समान समान करते हैं बार बार धन्यवाद कालू प्रधान जी 100 रुपये समान समान करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद संदीप बालान भाजू से 100 रुपये से और मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद धन्यवाद क्या कहा तीसरे नंबर पर ये भाई हमारे ताऊ नवाब सिंह जी के सेवक हैं ये ओम बीर ओम कर ओम पलक में कहीं जाओ सेवा तो इसने करी है इसके नाम से एक बार तालियां भाई भाई 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं हम जाना हाँ जो आदमी बाहर को मान में ध्यान रखे आखिरी टाइम में भी माँ बाबू की सेवा गाठ कर पाएगा लेकिन इस भाई ने सेवा करी है कैसा भी परिवार रहा यो सेवक से इसमें कोई गलती नहीं वो एक दारू पिया करता घड़ी किले डगा दिए उन्हें किले डगा दिए एक दिन न्यू सोचा अब दारू ने नाश कर दिया इन बोतला न बगाऊंगा बाहर खाली बोतला न बाहर बगान लग गया एक बोतल में इतनी गिरहरी थी वो बोतल का लखा न्यू मिला
तेरा कोई कसूर नहीं, तू आड़ है ते भाई मारे भाई कड़पाल का कोई कसूर नहीं। इन सेवा करिए बेचारे ने 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद है। ब्राह्मण भेजा नू समझाना हो का चौधरी रणबीर सिंह जी कठड़ से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद है। धन्यवाद श्याम सिंह जी दिल्ली से बढ़ियो ओ बंदरा शेख भांजा सैन्य तो बता दी उसके। अच्छा अच्छा हमारे ये भांजे हैं और पीछे मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद है। धन्यवाद होके पूर्ण आस करूंगा, नहीं तो तेरा गढ़ तोड़ने का ढंग तलाश करूंगा, कोठी बंगले महला का मथन मनाश करूंगा। एक कहते दे राजी ते डोला ना फिरते